बलरामपुर जिले के राजपुर सहकारी बैंक में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में पहली किस्त डाली है, वैसे ही बैंकों में किसान पैसा निकालने के लिए पहुंच रहे हैं। बैंक प्रबंधन ने कोरोना के सभी गाइडलाइंस को ताक पर रखकर काम किया। जब हमने शाखा प्रबंधन से इस बात पर चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पर किसानों के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि लोगों को हमारे द्वारा बार बार समझाया जा रहा है कि दूरी बनाकर और मास्क लगाकर ही परिसर में प्रवेश करें, इसके बावजूद भी लोग परिसर में भीड़ लगा रहे हैं। वही किसानों का कहना है कि इस समय किसानों के लिए खेती किसानी करने का समय है और जिसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, मजबूरन उन्हें बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है। तो हम लोग समितिवार कर रहे हैं, एक एक समिति का एक दिन एक समिति समितिवार मतलब डेली पेमेंट के लिए मतलब वो रखे व्यवस्था बनाए हुए। लोगों को यही समझाई दिया गया सर कि मतलब एक मीटर के फैसला मतलब एक हाथ की दूरी में मतलब रहे, लेकिन बार बार समझाने से मतलब फिर किसान जो कहते हैं आ जाते हैं सर। इसके लिए तो मतलब वही मतलब फैसला का वो है, और मास्क लगा के ही आए वहाँ पर, पानी उनी का सब व्यवस्था है सर, साबुन वगैरह सब। हाँ, जगह की कमी है, मान लीजिए अब हम लोग का किसानों का कमी नहीं है, न यहाँ कर्मचारियों का कमी नहीं, जगह नहीं है, जगह की कमी से अब क्या करें, परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, सतर्क हैं लोग, लेकिन मजबूरी है लोगों को, खेती किसानी का दिन आ गया, पैसे की जरूरत है और पैसा के चलते भीड़ में, खाद में भी वही भीड़ है, यहाँ भी भीड़ है। अब अगर नहीं भीड़ जाते हैं, 10 आदमी अगर लेते हैं पैसा तो 10 आदमी का दिन भर में 50 आदमी का पेमेंट होगा, और यहाँ सब कुछ लालच है कि हमको पैसा चाहिए। कर्मचारी भी वही तरसत है, किसान भी तरसत है, परिवार तो कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन वही मान लीजिए जगह की कमी से, अगर जगह रहता तो सब लाइन लगाए होते हैं बढ़िया। कुछ गांव को चिन्हांकित करके केवल 20 व्यक्तियों को ही यहां पर उपस्थित होने के लिए कहा जाए, ताकि लॉकडाउन और प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। फिर भी कुछ ज़रूरतमंद कुछ किसान ऐसे हैं जिसमें, क्योंकि उनको ऑनलाइन और ATM का उपयोग बहुत ग्रामीण नहीं करते हैं, इसलिए उनको मजबूरन यहाँ पे बैंक में आना पड़ता है, तो थोड़ी भीड़ जरूर होती है। फिर भी उसके लिए मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि कुछ गांव चिन्हांकित करिए, उस गांव को जो है